हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो चल रहे हैं नवरात्रि के दिन और मैंने कई दिन पीछे ब्लॉग को शूट किया हुआ है क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिलता है और कुछ मेरी जो बेबी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है, तो इसीलिए फिर मैंने बहुत टाइम पीछे इस ब्लॉग को शूट किया। अब मैं किचन में ही लग रही थी, मैंने सोचा यहीं से ही स्टार्ट कर लेती हूँ और मैंने डेकोरेशन के कुछ आइटम भी बनाए हुए हैं, उनको भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि दिवाली आने वाली है तो धीरे धीरे हम तैयारियों में जुट गए हैं। तो किचन में मैं बोतल वगैरह भर रही थी, इनको मैंने साफ़ किया था बोतलों को जो अभी आगे आपको दिख रही होंगी, और कुछ आती आती थी तो वो मैंने ऐसी रहनी थी, उनको मैं पूरी कर दूंगी। मैंने सोचा पूरी भर भर के रख दूंगी जो दो तीन आती आती हैं, और मैं भगोनी में पानी भरा रखा था आरो का, तो इसीलिए उसको भी मैंने ले लिया। सिंक में मजी हुई है क्योंकि बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए पहले मैंने जो भी थे इसमें सिंक में, और सिंक को भी साफ़ करके और फिर जब मैं पानी भर रही थी बोतलों को साफ़ किया फिर मैंने और फिर पानी भरूंगी। तो देखिए मैं इससे कुप्पी से भरती हूँ, जो तेल की जो आती है ना इससे भरती हूँ, तो पानी अच्छे से और जल्दी से भर जाता है, फैलता भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से भर जाता है और अच्छा भी रहता है इससे ना। और इसमें मैं बोतल में से पानी निकाल जो धोई थी ना बोतल, वो थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है रखे रखे, तो वो मैं पानी को फैला रही थी। और बहुत ही प्यारी प्यारी सी मैंने झालर बनाई हुई है, आप लोग देखना दिवाली के लिए। अभी साफ सफाई भी नहीं हुई है, करेंगे अभी उसको भी। तो मैं खाना पीना बना के शाम का फिर से फ्री हो गई थी और खाना पीना बच्चों ने भी खा लिया था, बच्चों को बैठा दिया था मैंने पढ़ाने के लिए, और फिर मैं भी इनको इमला वगैरह बोलने लग गई थी, इमला कर रही थी ये, क्योंकि देते हैं ना स्कूल में ट्यूशन में दे देते हैं, तो उनको मैं करा रही थी बोल बोल के, ताकि बच्चे थोड़ा बहुत सीखते भी हैं बोल के करा ना, और समझ में भी आता है बच्चों के। देख रही थी बार बार पे, और फिर ये देखिए बड़ी वाली बेटी इरेजर गुम कर दी थी तो उसको मांग रही थी, वो ढूंढ रही थी, उसको भी नहीं मिली। और किस किस के यहाँ साफ़ सफाई हो गई है दिवाली की कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारे यहाँ तो हुई नहीं है क्योंकि अभी रात्रि चल रहे हैं तो सुबह सुबह नहाने धोने की पड़ती है, और झाड़ू पोछा भाई नहाएंगे तो फिर झाड़ू पोछा होगा, पूजा पाठ होगी तो इसीलिए सुबह सुबह पहले काम की पड़ती है, पूजा पाठ होता है, तो इसीलिए फिर हमने अभी नंबर नहीं लगाया। मैंने सोचा अब नवरात्रि हो जाएंगी जब ही एक साथ करेंगे, क्योंकि बार बार पर नहाने धोने का झंझट नहीं रहता है ना, फिर साफ़ सफाई करो तो इसीलिए। गाइज मैंने वीडियो शूट की हुई है और ये मैंने बनाया है बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन का आइटम, सच में बहुत प्यारा बनाया है ये, मैंने देखिए कबाड़े के सामान से बनाया है सारा, जो मेरे पास मोती वगैरह स्टॉक हो जाते हैं, निकलते ही रहते हैं किसी न किसी में, तो वो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और ये देखिए ये जो हैप्पी बर्थडे वाली झालर जो आती है ना वो वाली थी, लेकिन ये सारी हिलच गई थी तो इसीलिए बेकार है बिल्कुल, तो ये भी मैंने रख ली थी ताकि हमारे डेकोरेशन वगैरह के काम में आ जाए। मैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैंने एक और चीज़ बनाई हुई है, आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए ये दिख रहा होगा ना आपको झालर, आपको अच्छे से दिखाती हूँ मैं। तो देखिए ये मैंने झालर बनाई है बहुत ही प्यारी सी शॉपिंग बैग से, और ये मैंने पुराने पोछा से और शॉपिंग बैग से बनाई हुई है। और अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा हो तो जल्दी से जाके देख लेना, रूबीज आइडिया चैनल पे आप लोगों को इसका वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा शानदार हमारा ये झालर बना हुआ है। देखिए मैंने सबसे छोटा फिर बड़ा इस तरीके से पूरा मैंने इसको बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा शानदार सा, देखिए सब हो गए उलझ गए हैं, लेकिन अब साफ़ सफाई होगी तो सब साफ़ हो जाएगा। जन मतलब नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि हो जाएंगे फिर अपनी साफ़ सफाई का नंबर भी लगाना है, इसीलिए थोड़ी बहुत मैं सोच रही हूँ वीडियो बन जाए तो सही है। और देखिए मोतियों को कैसे भर भर के ले जा रही है, और देखिए वीडियो बना के कितना फैला रहा फैल जाता है। अब इसको मैं सेट करूँगी, एक ग्लूगन भी लगाई हुई थी, इससे ही चिपकाया था जो भी, मतलब वैसे ज़्यादा नहीं चिपकाया है, इससे थोड़ा सा ही चिपकाया था, जो ऊन मैंने लपेटी हुई ऊन से बनाया उसको, ऊन को लपेट के। तो देखिए दिखा दूँ आपको थोड़ा सा इसका, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है सच में, बहुत ज़्यादा प्यारी बनी ये, मैंने ऊन से बनाई है, बीच का जो हिस्सा है चूड़ी लगा के, और इस तरीके से मोती वगैरह लगा दिए हैं जो भी मेरे पास वेस्ट थे, जैसे मुझ पर बनी वैसे मैंने बना दी है। देखिए मैजिक बुक है और इससे पढ़ा रही हूँ इसको भी। हाँ हाँ रुक जा, ले 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 ले, बहुत जल्दी रुक जाती है, ले ले खोल रही, दिखाने भी नहीं देती है। ऑरेंज बोलो, अपने मन का लगाएगी जो लगाना होगा, सब पढ़ रहे हैं, तीनों पढ़ रही हैं अभी, जल्दी जल्दी करो काम कंप्लीट, पूरा काम कंप्लीट चाहिए मुझको।
और टेबल तो मैंने साफ कर दिया। देखिए और ये देखिए ग्लास वगैरह डेकोरेशन के लिए मैंने मंगाए थे और सारे फाड़ फूड के फेंक दिए। बैग ऐसे पड़ा है, डाल दी थी, एक कॉपी निकाली और डाल दिया ऐसे ही। अभी साफ करना पड़ेगा ये दोबारा से मुझको। हाँ, काम कर ले काम, चलो पढ़ो पढ़ो चलो पढ़ो। ये क्या है, क्या देख रही है? बाबा 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 देख रही है, आएंगे अभी बाबा दुकान पे। चलो पढ़ो। देखो मंकी, मंकी कहाँ है? मंकी मंकी फिंगर रखो मंकी पे। मंकी ये क्या है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बटरफ्लाई बोलो फ्लाई। ये बर्ड बर्ड बर्ड, हाँ फ्लाई है ये। बर्ड बोलो बर्ड, ये वाली हाँ। आगे बढ़ो ना, हाँ फ्लाई है ये। बटरफ्लाई क्या है, क्या लिख रहा है? अबे अबे मैं भूल गया, मम्मी की। बेटा हाँ, मंकी कहाँ है? मंकी 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 तो पहचान गया। अब फ्लाई कहाँ है? बटरफ्लाई कहाँ है? बटरफ्लाई बताओ कहाँ है? फ्लाई ओ क्लैपिंग क्लैपिंग, हाँ ये फ्लाई है। और ये क्या है? जिराफ 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 कहाँ है? जी तो लॉयन है, देख ये लॉयन है ये जिराफ। हाँ क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये?